जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, जो आपकी लाइफ के लिए बेहद ही जरूरी होती हैं। दोस्तों, नपुंसकता एवं वीर्य रोगों को दूर कर धातु पुष्ट करने के शक्ति बढ़ाने वाला नुस्खा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नपुंसकता और वीर्य रोगों को दूर करने की शक्ति कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है प्याज और अदरक। अब हम जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात कि आप प्याज और अदरक दोनों ही ताज़ा लें। प्याज के रस, अदरक के रस, शहद और घी को आपस में मिला लीजिए और इसका सेवन आपको सवेरे ही करना है दोस्तों, यानी कि सुबह में करना है। और इस प्रयोग को करने के एक घंटे तक कुछ न खाएं पिएं। यह प्रयोग कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए। जिन लोगों की धातु ज़्यादा पतली हो गई है वो ये प्रयोग करने के 15 दिन तक संभोग न करें दोस्तों। और इसके बाद यह प्रयोग वो सुबह और शाम दोनों समय भी कर सकते हैं। इस प्रयोग की सफलता इसी पर निर्धारित है कि ये प्रयोग आपको निरंतर करना है। बीच में छोड़ देंगे तो थोड़े दिन तो जान रहेगी मगर फिर कमजोरी आ घेरेगी दोस्तों। कम से कम 3 महीने तक निरंतर करने के बाद फिर आपके प्रयोग अगली सर्दियों में कर सकते हैं, यानी कि फिर ये प्रयोग आप अगली सर्दियों में कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रयोग को इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे। अदरक का रस 6 ग्राम, प्याज का रस 12 ग्राम, शहद 3 ग्राम, देसी घी 4 ग्राम, इन सबको मिलाकर सेवर सुबह ही चाटने से 41 दिन में बहुत अधिक ताकत आ जाएगी दोस्तों। यह प्रयोग भी तभी सफल होगा अगर इसको कम से कम 3 महीने तक आप लगातार करेंगे। क्यों बिलीव करें इन बातों पर, इस पे ध्यान देते हैं दोस्तों। अदरक औषधीय गुणों से भरपूर होती है दोस्तों। अदरक का हम एक मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं। अदरक सेहत के लिए वरदान से कम नहीं होता है। अदरक कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है दोस्तों, आयोडीन, विटामिन्स, कैल्शियम, क्लोरीन इत्यादि। इसके अलावा अदरक में एक शक्तिशाली गुण है, वो ये है कि यह बेहतरीन एंटीवायरल है। अदरक को आप हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर वीर्यवर्धक के लिए करना है तो आप ताजे अदरक का इस्तेमाल करें, लेकिन अदरक के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, जिसके लिए आप सूखे अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लोग अदरक का प्रयोग करते हैं, अदरक के गुण से परिचित हैं। अदरक का इतिहास भारत में लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है दोस्तों। यूँ कहें कि अदरक अनेक गुणों की खान है और आप इनका विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का आयुर्वेद में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अदरक हर तरह के इन्फेक्शन को कम करने में उपयोगी है। अदरक विभिन्न तरह की बीमारियों से हमें बचाती है, जैसे जुकाम, सर्दी, कफ, खांसी, दमा इत्यादि। दोस्तों, एक ताज़ा अदरक में लगभग पानी 81% पाई जाती है, 2.5% रेशे, 1% वसा एवं कार्बोहाइड्रेट 13% पाई जाती है। अदरक हर प्रकार से गुणकारी है दोस्तों। अदरक का सेवन करने से अर्थराइटिस, साइटिका, गठिया और रीढ़ की हड्डी का रोग भी दूर होता है दोस्तों। तो देखा आपने कि अदरक के इस्तेमाल से आप अपने धातु को भी पुष्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ कई अन्य बीमारियों को भी आप अपने आप से दूर रख सकते हैं, यानी कि कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।